नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर के का जो बायआउट हुआ है 44 बिलियन डॉलर में, जो एलन मस्क ने बायआउट किया है, उसका क्या टेक अवेज है। बेसिकली हमारे जैसे लोग, जो हम लोग जैसे जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं इस मेडिकल माफिया के अगेंस्ट, या फिर एक फ्री स्पीच के लिए जो हम लोग लड़ रहे हैं, जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, यदि उन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये जो बायआउट हुआ है, ट्विटर का जो बायआउट हुआ है, इसका हम लोगों के लिए क्या, मतलब हम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, इससे जो सोसाइटल जो चेंज है वो कैसा रहेगा। क्योंकि आपने अभी तक देख लिया होगा कि एलन मस्क जो है वो फ्रीडम की बातें करता है, डेमोक्रेसी की बातें करता है, वो बात कहता है कि यू नो ट्विटर में जो भी हमारे बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं उनको भी रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ट्विटर शुड बी यू नो शुड बी अ प्लेस वेयर डेमोक्रेटिक डिबेट कैन हैपन। सही है ना? तो इस तरह की बातें करने वाला जो एलन मस्क है, उसका हम लोगों के यू नो इस बायआउट से क्या मतलब असर होने वाला है हम लोगों के ऊपर, ये सोचने वाली बात होगी। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी के बारे में बात करेंगे। जो मेरे नज़र से, मेरे ओपिनियन में मतलब इस बायआउट का सबसे जो पहला जो असर होने वाला है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। जैसा कि एलन मस्क बोल रहा है बार बार कि हमारे ट्विटर में, बेसिकली आप यूएस का अकाउंट लेंगे तो करीबन लगभग 90% जो जनता है वो ट्विटर इस्तेमाल करती है वहाँ पे, और एक ये एक तरह का प्लेटफॉर्म बन के उभरा है रिसेंट ईयर्स में, जिसमें कि तरह तरह के डिबेट होते हैं, तरह तरह के जनरल पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर डिबेट होते हैं, सोसाइटल टॉपिक्स के ऊपर डिबेट होते हैं, और उन सब डिबेट से एक डेमोक्रेटिक अवधारणा बनती है, एक मूवमेंट बनता है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो अधिकार है हर एक इंडिविजुअल का, जिसको कि रीसेंट यू नो पिछले 2 साल में देखा जाए तो ट्विटर ने काफ़ी हद तक से कर्टेल करने की कोशिश की है। मे बी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, इसके वजह से हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसके जो कॉरपोरेट पॉलिसीज हैं वो उसको अलाउ नहीं कर रहे हों। लेकिन जहाँ तक हम लोग जिस नज़र से देखते हैं उसके हिसाब से, ये पक्का जो एलिट्स हैं चारों तरफ मतलब पूरे वर्ल्ड के, जो नहीं चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो लोगों तक पहुँचे। और शायद इसीलिए ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स के, साइंटिस्ट के जो अकाउंट्स हैं उनको डिलीट किया गया, उनको ब्लॉक किया गया। तो अब हम लोगों को लग रहा है, जैसे हमारे जैसे लोग जो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस का एक हिस्सा हैं, उन लोगों को लग रहा है, या हम लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है इस बायआउट से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो लड़ाई है उसमें एक बहुत बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई है। दूसरा एक टेक अवे ये हो सकता है कि जितने भी ब्लॉक्ड अकाउंट्स थे, जो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट कम्युनिटी वगैरह जो बार बार ये बोलना चाह रहे थे कि मैं नहीं बोल सकता अगेन रिगार्डिंग कोविड, जिसको कि मिस इन्फॉर्मेशन बोल के दबा दिया गया, जिसको कि बोला गया कि इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है यदि हमारे पास, लाइक जनरल पब्लिक के पास यदि पहुंचती है तो लोग जो है वैक्सीन लगाना बंद कर देंगे, या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट लीक होता है, सरकारी डॉक्यूमेंट, तो जो खरीद फरोख्त का, जो वैक्सीन के खरीद फरोख्त का जो डिटेल है वगैरह वगैरह, यदि इन्फॉर्मेशन लीक आउट होता है, यदि कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट या किसी गवर्नमेंट का ऑफिशियल यदि ऐसा कुछ डालता है, तो वैसे अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया था, वैसे अकाउंट्स को रोक दिया गया था, उनके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, उसको रोक दिया गया था बाय डिलीटिंग देयर अकाउंट, बाय ब्लॉकिंग देयर अकाउंट्स एंड ऑल। बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें, जिसमें कि आपका जो mRNA टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंटर था, उसका अकाउंट भी रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया था। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी रोक दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, जिन्होंने भी अगेंस्ट में बोलने की कोशिश की उन सभी को रोक दिया गया था। तो हो सकता है कि ये अब इस बायआउट से
इन सभी लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको रीइंस्टेट किया जा सकता है, उन सभी को अनब्लॉक किया जा सकता है। तो ये एक दूसरा टेक अवे, अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है यदि एलन मस्क करता है ऐसा। तो तीसरा जो टेक अवे है उसने ये भी बोला कि जो एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो चारों तरफ शेयर होता है या चारों तरफ लोग देखते हैं, या उस एल्गोरिथम को वो ओपन सोर्स बनाना चाहता है, जिस तरीके से उसने कहा ये ओपन सोर्स होगा। क्यों? ताकि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, ये नहीं बोले कि भाई गवर्नमेंट मेरे इन्फॉर्मेशन को पास नहीं होने दे रही है, लोगों के पास जाने नहीं दे रही है वगैरह वगैरह। लिमिटेड रीच है उन इन्फॉर्मेशन का। ऐसा इस तरह के सोच को रोकने के लिए, इस तरह के क्या बोलते हैं, ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए कि नहीं, ये ट्विटर जो है ये ओपन सोर्स है, इसके एल्गोरिथम ओपन सोर्स होंगे, और इस तरीके से जो आम पब्लिक है, आम जनता जो है, चाहे वो आम साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जो भी जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन डाल रहा है ट्विटर पे, एक तरह का हेल्दी डिबेट करने की कोशिश कर रहा है, उस तरह के हेल्दी डिबेट्स को मौका मिलेगा लोगों तक पहुंचने का, एक अच्छा रीच मिलेगा। सो दैट इज व्हाट दिस ओपन सोर्स एल्गोरिथम मीन्स, कि ओपन सोर्स हो जाएगा तो कोई भी डेवलपर कहीं से भी बैठ के उसको बेसिकली मॉडिफाई कर सकता है, अगेन बेस्ड ऑन सम सर्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम द कंपनी साइड ओनली। तीसरा जो टेक अवे है, सॉरी चौथा जो टेक अवे है, क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा इसके ऊपर? कुछ जगहों पे तो हाँ गवर्नमेंट के कंट्रोल्स होंगे, जो कि लोकल पॉलिसीज के को अबाइड करने के लिए होता है यूजुअली। लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस जो इन्फॉर्मेशन का जो वॉर था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का जो अकाउंट ब्लॉक किया गया था, डिलीट किया गया था, वो नहीं होगा। आई थिंक गवर्नमेंट उस तरह के पॉलिसीज को इम्पोज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये फुल्ली प्राइवेटली ओन्ड होगा, चूंकि एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है, तो ये फुल्ली प्राइवेटली ओन्ड होगा। तो आई थिंक उस तरह के जो गवर्नमेंट कंट्रोल्स हैं वो वैसे कंट्रोल्स ट्विटर पे अब नहीं लगा पाएगी। या जैसे कि हम लोग पता है, हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये लगभग एक तरह का कोल्यूडेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और एलिट्स का और इन सब का एक कोल्यूडेड इंगेजमेंट था ऑन ट्विटर, ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब और ऑन व्हाटएवर, है ना। तो उस तरह का जो जो सिनारियो क्रिएट किया गया था कि भाई कोई भी कुछ भी खिलाफ में बोले, कोई भी किसी भी तरह की बातें बोले अगेंस्ट में, तो उसको उसको बस शट डाउन कर देना है, उसके अकाउंट्स को होल्ड कर देना है। शायद अब जो है, जिस तरीके से अगेन एलन मस्क जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम लोग रोकेंगे नहीं, तो आई थिंक वो बंद होगा, जो कंट्रोल है वो थोड़ा रिड्यूस होगा, वो कंट्रोल शायद अब उस तरीके से नहीं रह जाएगा जिस तरीके से पहले था गवर्नमेंट का। पांचवा जो है, जो आईटी सेल्स, जो बॉट्स वगैरह थे, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो अपने आईटी सेल्स और आईटी बॉट्स वगैरह थे जो ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहते थे, एक तरह का नैरेटिव पुश करने के लिए कि फलाना आदमी अच्छा है, फलाना आदमी अच्छा है, फलाना आदमी अच्छा है, इस तरह का जो नैरेटिव पुश करने के लिए जो आईटी बॉट्स, आईटी सेल्स जो एक्टिविटीज हुआ करती थी, शायद उनको भी कंट्रोल किया जा पाएगा। बिकॉज चूंकि मैंने अभी बताया कि ये ओपन सोर्स हो जाएगा इसका जो एल्गोरिथम है, और यदि ये ओपन सोर्स होता है तो ऑब्वियसली उस तरह के कंट्रोल्स भी लगेंगे जहां पर कि बॉट्स वगैरह को ज्यादा चांस नहीं दिया जाएगा। बॉट्स वगैरह की जो रीच है, जो बॉट्स वगैरह का जो फुल फीचर कंट्रोल है, उन सबको भी कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी। तो आई थिंक दिस कुड बी अ मेजर ब्लो ऑन 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 दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ पे कि नैरेटिव को पुश करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ अनदर टेक, लाइक बॉट्स, आईटी सेल्स वगैरह वगैरह। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है पिछले 2 साल से, बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंस आना, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आना। ये जो फिएट करेंसी है वर्सेस जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है पिछले 2 सालों में। आप देखोगे उनकी जो कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस, मतलब दुगुना साइज में बढ़ी है। जहाँ 100 लोग पहले क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया करते थे, अभी आज के डेट में 200-250 लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। तो 2 सालों में बहुत तेजी से क्रिप्टो बढ़ा है, क्रिप्टो का साइज बढ़ा है, कम्युनिटी बढ़ा है। तो
रीजन क्या है इसका? मेरे ख्याल से रीजन इसका यही है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो फिएट करेंसी है, जहां पे कि सेंट्रल बैंक जो है अपने हिसाब से अपना पैसा छाप लेती है और जो वैल्यू ऑफ द मनी है वो ड्रॉप हो जाता है ना। जैसे आप रुपीस का वर्सेस डॉलर का आप देखोगे जो वैल्यूएशन है वो धीरे 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 जो वैल्यू है रुपी का वो गिरता चला गया है पिछले 2 सालों में। और तो और बैंक्स छापते पे छापते जा रही है पैसे, तो वो वैल्यू जो है उसी वैल्यू को दर निकार करने के लिए उसी तरह के वो जो फिएट करेंसी जो कर गवर्नमेंट की जो करेंसी जिनका कि उनको जिन जिसके ऊपर उनका फुल कंट्रोल है, उस तरह के कंट्रोल को मिटाने के लिए ही एक डिसेंट्रलाइज करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो वो आया है। और इसी के वजह से अब आप देखो इसका और इसका क्या रिलेशन है, ये जो बाय आउट हुआ है और इसका क्या रिलेशन है। तो बेसिकली आप देखो आपको ये पता होगा कि नहीं होगा, दिस गाई एलन मस्क ही ऑलरेडी हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन क्रिप्टो। दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी, राइट? तो जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस बंदे ने इन्वेस्ट करके रखा है जिसने जिसने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म को अक्वायर किया है, जहाँ पे कि एक पॉलिटिकल डिबेट, एक डेमोक्रेटिक डिबेट हर दिन पैदा होता है, हर दिन पैदा होता है। आप समझ सकते हो कि इससे जो इफेक्ट पड़ने वाला है क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर, जो क्रिप्टो का जो ग्रोथ है उसके ऊपर, वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये छठा टेक अवे जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक क्रिप्टो बिकॉज ऑफ दिस बायआउट, बिकॉज ऑफ दैट यू नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ लेसर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट्स ऑन दिस टेक, जो अभी YouTube और Google वगैरह पे जो अभी भी कंट्रोल है, Twitter में अभी शायद वो कंट्रोल ना रहे, तो उसके वजह से आई थिंक Twitter का साइज भी बढ़ेगा, Twitter के कम्युनिटी भी बढ़ेगी, और उतना ही नहीं क्रिप्टो की कम्युनिटी भी बढ़ेगी। क्रिप्टो का साइज भी बढ़ने वाला है, क्रिप्टो का वैल्यूज भी बढ़ने वाले हैं अभी। सो दस दी आई थिंक दैट इज वॉट द टेक अवेज आर, यही टेक अवेज है हमारे कम्युनिटी के लिए, जो हम लोग जो एक रेजिस्टेंस पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं मेरे जैसे लोग, बिकॉज ऑफ दिस होल मेडिकल माफियागिरी जो चल रहा है अभी आज के डेट में, उस तरह के प्रोग्राम को कहीं ना कहीं रोकने के लिए इस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत ज़रूरत था। और ये ट्विटर जो है हमारे लिए वैसा एक एवेन्यू बन के उभरा है। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। बट आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी देखिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।